हेलो फ्रेंड्स आज की मेडिसिन है लाइसिनम लाइसिनम जो है वो रेबिड डॉग के सिलेबस में बनती है और एक तरह की नोसूड है इसका मेंटल देखें तो मेंटल में लाइसोफोबिया होता है पागल होने का डर होता है इसमें कि कहीं पागल ना हो जाए इसका डर होता है इसी को हम लाइसोफोबिया है कहते हैं मेंटल इमोशंस इमोशन् मोटिफाइंग न्यूज जो भी होती हैं उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़तरनाक कर देती हैं और ज़्यादा वर्स कर देती हैं फिजिकली देखते हैं कि इसमें जो रनिंग वाटर का साउंड है या उसका वो रनिंग वाटर को देखता है तो सारी की सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं रनिंग वाटर से मतलब है कि जैसे जो नदी है या जो तालाब है जो बह रहा है जो पानी बहता है उससे इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है समुद्र के किनारे पर ये जब पानी को बहता हुआ देखेगा तो इसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो घाव होते हैं वो नीले कलर के हो रहे हो तब भी हम इसको देते हैं और इसको सन की जो सूरज की जो गर्मी है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसन्स हैं जहाँ पर सूरज की गर्मी से दिक्कत होती है जेल्सिमियम ग्लोनाइनम लेकेसिस नेट्रम्यूर नेट्रमकार एंटीमोनियम ट्रोडम कई सारी मेडिसिन हैं जहाँ पर सूरज की गर्मी से दिक्कत होती है पेशेंट को तो लाइसिनम भी है उसमें से कि इसको भी सूरज से दिक्कत होती है हेडेक की अगर बात करें तो डॉग के काटने से कुत्ते के काटने से अगर हेडेक हो रहा हो, हो सकता है कुत्ता रेबिट हो, हो सकता ना भी हो लेकिन कुत्ते के काटने के बाद जब हेडेक हो रहा हो और तो ये बहुत अच्छा काम करती है जैसे अगर कोई कुत्ते किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो हम ये लाइसिनम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्रोनिक केस होकर मेंटल इमोशंस और एक्संस की वजह से उसको हेडेक हो रहा हो और रनिंग वाटर का नॉइज से सुनकर या ब्राइट लाइट को देखकर तेज देख चमक वाली जितनी भी चीज़ें हैं हो सकता है मिरर है या फिर पानी से जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उसकी वजह से हेडेक बढ़ जाता हो है या फिर हैड होता हो उसको तो लाइसिनम अच्छा काम करती है माउथ में सेवा सेलैवा कैसा रहता है टफ़ रहता है रोप रहता है रोप की तरह होता है बेसिड ऑफ फ्रोती रहता है चार चीज़ें हैं टफ है रोपी है बेसिड ऑफ फ्रोती है और उसको कंटिन्यूसली स्पिटिंग करने का मन करता रहता है ऐसा ही हेडस्टिस में है लेकिन इसमें लिकोरिया जो होता है वो रोपी होता है ठीक है थ्रॉट सोर थ्रॉट होता है और कंटिन्यूसली जो सेलेवा uh, जो बन रहा है उसको निकलने का मन करता रहता है और इसको लिक्विड निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसी वजह से ये पानी से डरता है ये पानी नहीं पीता है इसको बहुत डर लगता है क्योंकि जब भी पानी पिएगा तो इसोफेगस में स्पास होगा और इस स्पाज इस इस्पाज की वजह से गैगिंग होने लगेगी सांस नहीं ले पाएगा इसलिए ये पानी पीने से डरता है और पा, पानी से इसको बहुत डर लगता है हाइड्रोफोबिया यूरिनरी सिस्टम में क्या है प्रॉब्लम कि जैसे ही रनिंग वाटर को देखता है तो उसको अर्जिंग होने लगती है यूरिनेशन की और यूरिन कैसी होती है बहुत स्कैंटी होगी क्लाउडी होगी और उसमें शुगर भी होगा तो इसका यूरिनरी सिस्टम जैसे ही पानी को देखेगा तो इसको यूरिनेशन का मन करेगा और यूरिन होती कैसी है स्कैंटी होती है और क्लाउड की तरह होती है और उसमें शुगर भी होता है फीमेल में जो यूटरस है यूटरस प्रोलैप्स होता है वो भी क्रोनिक अगर यूटरस प्रोलैप्स हो रहा हो और वेजाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि कोशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो फीमेल जब ऐसे केसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वेजा है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूटरस प्रोलैप्स होता है क्रोनिक केसेस में और नर्वस सिस्टम में कन्वलसन्स आते हैं और कन्वर्सन्स किस कारण की वजह से क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कन्वर्सन्स आते हैं तो एक तो रिफ्लेक्शन लाइट के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो पानी है पानी में जो लाइट पड़ती है उसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उसकी वजह से कन्वर्सन्स आने लगते हैं या फिर कोई भी फ्लूड है उसके बारे में सोचने से ऐसा हो जाता है थोड़ा सा टच हो या फिर जो हवा के झोंके होते हैं उसकी वजह से भी कन्वर्सेंस शुरू हो जाते हैं ऐसा स्ट्रोमोनियम में भी हम लोग देखते हैं तो एक बहुत छोटी सी मेडिसिन है लाइसिनम जिसमें लाइसोफोबिया है मेंटल इमोशंस जो होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है अगर थोड़ा भी मोटिफाइंग न्यूज़ के बारे में सुन ले और फिजिकली इसके घाव जो होते हैं ब्लूइस होते हैं रनिंग वाटर को देखकर इसकी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं सूरज की गर्मी को सहन नहीं कर सकता है हेडेक होता है हेडेक होने का कारण है कि कुत्ते ने काट लिया हो या रनिंग वाटर को देखा हो या उसकी आवाज़ है या फिर उस हवा है हवा के झोंके हैं इसको एडिक करेंगे माउथ में सिलाईवा बहुत ज़्यादा बनता रहता है हमेशा निकलने का इसका मन करता रहता है साथ में थ्रॉट जो होता है वो शोर होता है निगलने में तो डिफिकल्टी होती ही है तो पानी से डरता है पानी नहीं पीना पसंद करेगा और रनिंग वाटर को देखता है तो उसको यूरिनेशन का मन होता है और फीमेल में यूटर्स प्रोलेप्स हैं कन्वलसेंस हैं कन्वलसन्स क्यों होते हैं तो जो चमक होती है पानी की उससे हो जाते हैं या फिर तो इसके कन्वर्सन्स थोड़े से यूनिक हैं कि थोड़ा सा टच करे करा जाएगा या फिर जो हवा का झोंका होगा तो उससे इसके कन्वलसंस शुरू हो जाएंगे तो ये एक बढ़िया सी मेडिशन है एक नोसोल है और आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू